हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो है कंपैरिजन वीडियो, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको देने के लिए। आपके काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग चल रही है डी टू डी वालों के लिए, जो बीटेक लैटरल एंट्री के एडमिशन होती है उनकी चॉइस फिलिंग 21st तक चल रही है, इंक्लूडिंग एडिट वाले ऑप्शन, और उनके चॉइस फिलिंग की वीडियो अपलोडेड है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग वीडियो शेयर जरूर कर रहे होंगे अपने डी टू डी के ग्रुप्स में, ताकि और भी लोगों को पता चले। क्योंकि एडिट का ऑप्शन में मैंने बता दिया था कि कोई जरूरत नहीं आपको वेट करने की, आप जब चाहे तब अनलॉक कर सकते हो। फिर बीटेक कॉलेज रिव्यूज आप देख रहे होंगे, जो भी प्लेलिस्ट सेक्शन हमने बना के रखा बीटेक कॉलेज का, उनको देख रहे होंगे आप। उन कॉलेजेस के बारे में जान रहे होंगे कि उन कॉलेजेस में क्या फैसिलिटीज हैं, नहीं है, फी स्ट्रक्चर एंड ऑल, और प्लेसमेंट्स की फैसिलिटीज, वो सब कुछ उस बीटेक कॉलेज रिव्यूज में है। फिर बीटेक फर्स्ट ईयर के एडमिशन से रिलेटेड उनकी चॉइस फिलिंग 20 तारीख तक है, इंक्लूडिंग उनकी एडिट वाली, क्योंकि आज लास्ट डेट है। और एडिट वाले दिन भी मैं बोल रहा हूँ कि आप एडिट अभी भी कर सकते हो। और आज हम लोगों ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक गूगल मीट का सेशन रखा है, आज रात 9 बजे हमने वो प्लान करके रखा है। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, 1-to-1 हमसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग लाइव आने के पे भरोसा ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि लाइव आओगे तो बहुत लोग सवाल पूछ पाते हैं, बहुत लोग नहीं पूछ पाते हैं, बहुत लोगों का जवाब मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। बट गूगल मीट रहेगा तो गूगल मीट में आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो और मैं वहां पर जरूर जवाब दूंगा, क्योंकि वो 1-to-1 सेशन हो रहा होगा। तो उसकी लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चॉइस फिलिंग की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस झारखंड में उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी, जो जैसे भी काउंसलिंग की आती है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी जिससे आप आके सवाल पूछना चाहो, और अभी तक हम लोग हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम में हो, चाहे कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो, और इवन कमेंट्स में भी हम लोग हो सके जितना हो सके उतना हम लोग जवाब दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें। फिर हमने बोला था कंपैरिजन वीडियो लाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज की एक, और एक आपके लाएगी पीपीपी मोड की, और एक हम लोग लाएंगे प्राइवेट कॉलेज की कंपैरिजन वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने लेकर आया पीपीपी मोड की कंपैरिजन वीडियो। कंपैरिजन वीडियो वो है जो तीन कॉलेजेस जो हमारे पीपीपी मोड में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चलती है, चाईबासा, रामगढ़, दुमका, उनके उनसे रिलेटेड ये आपकी है। ठीक है, तो हम आपसे बेसिकली यही बताना चाहते हैं। इस वीडियो में कोई हमारा प्रमोशन से रिलेटेड नहीं है कि कोई कॉलेज ज़्यादा बेहतर है, कोई कॉलेज कम बेहतर है। हमने जितना देखा है उन कॉलेजेस को, हमारे जितने भी जूनियर्स जहाँ भी पढ़ने गए हैं, चाहे, और तीनों कॉलेजेस में मेरे जूनियर्स पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो मुझे आइडिया उन कॉलेजेस के बारे में। इवन वहाँ से मैं काफ़ी टाइम तक मैं वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उनमें जो बैठते हैं उनसे भी मेरे जानकारी है, जान पहचान है, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या है। इवन हमारे पास अपडेटेड फी स्ट्रक्चर भी है, तो मैं उसे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। प्लस हम लोग ने बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बना दी है कि आपकी जब चॉइस फिलिंग जैसे ही खत्म होगी उसके बाद आपको जब एडमिशन का टाइम आएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम, वो अपलोडेड है। और डी टू डी वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो आ जाएगी आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगी, क्योंकि आपकी कल तक चॉइस फिलिंग है तो आप आराम से कर सकते हो। कल तक है और अब 21 तारीख तक है, तो आपकी एडमिशन शायद 23 या 24 से स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। कंपैरिजन वीडियो फिर जैसे ही चॉइस फिलिंग खत्म होगी तो हमारी एक वीडियो पहले से ही रेडी है बना के कि आपकी कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जो जैसे से भी काउंसलिंग के बाहर आप जा सकते हो, जब आपको कोई कॉलेज ना मिले काउंसलिंग में 1-2-3 राउंड तक में भी, तो ये सब वीडियोस, बाकी सब वीडियोस आप बीटेक कॉलेज रिव्यूज में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, डी टू डी वाले अपने प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। यहाँ आते कंपैरिजन वीडियो में, तो मैंने पहले ही बोल दिया भाई कोई कॉलेज को हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक नहीं देने वाले हैं, हम लोग बस बताने वाले तीनों कॉलेजेस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एक साथ। ठीक है, तो कॉलेजेस अंडर पीपीपी मोड में सबसे पहले बता दो तो चाईबासा, रामगढ़ और दुमका कॉलेज है। ठीक है, इन तीन कॉलेजेस की अपनी अपनी प्रॉपर स्पेसिफिक कॉलेज रिव्यू बनी हुआ, प्लीज जाके देख ले उनके एड्रेस, उनके डेटाज, वो सब के समूह पहले से बने हुए हैं। बस यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़े बहुत जानेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें जो शायद उसमें छूट गई हूँ और शायद मैं इसमें ऐड करूँ। तो भाई तीनों यही है, एडमिशन प्रोसेस तीनों में सिमिलर है, तीनों में दो तरह की सीट चलती हैं, क्योंकि तीनों पीपीपी मोड के कॉलेजेस है, दो तरह की सीट, फ्री सीट और एक पेड सीट। फ्री सीट आप काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं और पेड सीट भी आप काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं, बट पेड सीट में एक ये भी है कि आप बाहर से जाके एडमिशन ले सकते हैं। मतलब अभी आप उन तीनों के वेबसाइट में जाओगे तो उन तीनों के वेबसाइट के लिंक मैं ऐड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन तीनों के वेबसाइट के लिंक में भी जाके आप वहां पर डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर या कोई भी कॉलिंग नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली एडमिशन के लिए आप काउंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हो, भाई जाके डायरेक्टली जाके कॉलेज में पैसे लेके अपना एडमिशन करा सकते हो, पैसे लेके मतलब फीस देके, ऐसा कोई मैनेजमेंट कोटा और वो सब सीन नहीं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि पेड सीट मतलब पेमेंट सीट है, मतलब वो प्राइवेट सीट है, तो आप जब चाहे तब जाके इसमें एडमिशन ले सकते हो। वो चीज़ आप सीट मैट्रिक्स में भी देख सकते हो पेमेंट सीट्स को, क्योंकि हमने वो वीडियो बनाया हुआ चॉइस फिलिंग, उसमें हमने दिखाया सीट मैट्रिक्स, फिर हमने जो कॉलेज में बनाया उसमें भी बताया कि कैसे क्या है। तो फ्री सीट तो आप काउंसलिंग से ही जा सकते हो, तो काउंसलिंग के लिए आप अभी कर रहे होगे मे बी, और आप हमारी वीडियो देख रहे होगे। और उसके बाद फीस स्ट्रक्चर ऑफ फ्री सीट एंड पेमेंट सीट यही है कि उनकी जो आप उनके जब भी वेबसाइट में चेक करोगे तो उनकी कोई फीस स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने जब बात किया
किया है कल परसों उनके कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से, वहाँ के बैठने वाले लोगों से, तो उनका यही कहना है कि अभी फीस स्ट्रक्चर अपडेट नहीं हुई है वेबसाइट में, बट उनके पास है वो फीस स्ट्रक्चर और हमारे पास भी वो PDF आ चुकी है जो उन्होंने हमें दिया है, हम आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। वो कमोवेश वो तीनों कॉलेजेस के लिए आसपास सेम ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो फ्री सीट के लिए वही 20 से 25 हज़ार रुपये लगेंगे आपको, उसी रेंज में लगेंगे, 20 से 25 हज़ार आपको लगेंगे फ्री सीट के लिए पूरे साल का। मैं कोई सेमेस्टर वाइज नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे साल का एनुअली में बता रहा हूँ, ये सिर्फ फीस है। हॉस्टल चार्जेस एंड मेस चार्जेस आर डिफरेंट, वो चीज़ें वो आपको वहाँ जाने के बाद पता चलेंगी, वो भी उस फीस स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, तो वो मैं फीस स्ट्रक्चर अब शेयर करूंगा तो आप देख सकोगे, ठीक है। तो फ्री सीट के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये लगेंगे आपके, और पेमेंट सीट में लगेगा आपको 72 हज़ार के आसपास, मतलब 65 to 70 थाउजेंड या 72 थाउजेंड के आसपास लगेगा आपका पेड सीट में, जो आप पेमेंट सीट लेने वाले हो, ठीक है। तो वो है आपकी पूरे साल की, मैं सेमेस्टर वाइज नहीं बता रहा हूँ, पूरे साल, एक चीज आप याद रखिएगा। तो फ्री सीट और पेमेंट सीट की पे स्ट्रक्चर तीनों कॉलेजेस में कमोवेश सेम है। कॉलेज फेस और टेक फेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई टूर्नामेंट्स होना और ये सब चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इन कॉलेजेस में कॉलेज फेस्ट होना या टेक फेस्ट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के चीज़ों के लिए, कि उन कॉलेजेस का नाम बने, उन कॉलेजेस में थोड़े से और ब्राइट स्टूडेंट्स निकल के आए, कुछ टेक्निकल आइडियाज़, कुछ बेहतरीन क्रिएटिव आइडियाज़, टूर्नामेंट्स होना, ये सब होना बहुत अच्छी बात है। तो चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में जफायर नाम का एक टेक फेस्ट होता है, कॉलेज फेस्ट होता है, फिर उसके बाद रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना उनका टेक फेस्ट है, फिर दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका अपना टेक्यूरियस और एक फैनेटिक नाम का कॉलेज फेस्ट और टेक फेस्ट होते रहता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें, और कॉलेज टूर्नामेंट्स ये सब होने चीज़ें होती हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और कॉलेजेस में बहुत अच्छा एक माहौल भी रहता है और एक हेल्दी कंपटीशन बना रहना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि एक कॉलेज को एक बहुत बढ़िया एज देता है बाकी अदर कॉलेजेस, अगर ये सब कॉलेजेस में होती हैं तो, ठीक है। और ये होती है, उनके वेबसाइट में जाओगे तो चेक कर लोगे, बहुत सारे गैलरी पिक्चर्स और बहुत सारे स्टूडेंट कैंपस लाइफ में जब आप जाओगे उन सबकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड मिल जाएगी, आप जाकर वो चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानने की बहुत मतलब मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्लेसमेंट्स को लेके। तो प्लेसमेंट्स को लेके भाई इन कॉलेजेस के वेबसाइट में जब जाओगे तो आप तीनों कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स आप डायरेक्टली देख सकते हो, तो उनके रिक्रूटर्स में उन्होंने इन्फोसिस, HTCS, Amazon, AWS, उन सब कॉलेजेस के नाम डाल के रखे हैं, HCL का नाम डाल के रखा है, हेक्सावेयर का नाम डाल के रखा हुआ है, तो मतलब बड़े बड़े विप्रो का नाम डाल के रखा हुआ है इन तीनों कॉलेजेस के आप वेबसाइट में देखोगे। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये तीनों नहीं होंगे, बट मुझे जितना लगता है ये सब के सब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स वाले नाम है, ठीक है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, इन सब का डिफरेंस मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ है, एक अलग से वीडियो बना के कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, मैं उसका वीडियो आपको लिंक में ऐड कर दूंगा, आप प्लीज जाके चेक करें ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस। ऑन कैंपस में एक ऊपर आपको बता दूं, तो ऑन कैंपस जब कॉलेज में वो सारी कंपनियां आती हैं जिनका नाम वहां पे लिखा हुआ होता है, और ऑफ कैंपस जब वहां के स्टूडेंट्स उन सब कंपनीज के बाहर से फॉर्म भर रहे होते हैं जो सबके लिए पैन इंडिया निकला हुआ था, फिर उसके बाद वहां जाके उनका इंटरव्यू निकाल के ये सब होके जब उनका सिलेक्शन होता है तब कॉलेजेस अपना नाम डाल देते हैं कि उनके स्टूडेंट्स वहां 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 प्लेस्ड हैं, तो वो डाल देते हैं उनके रिक्रूटर्स के नाम पे। तो ये चीजें हैं, तो ये फर्क होता है। मुझे जितना लगता है कि इन तीन कॉलेजेस में इन्फोसिस तो नहीं जाती है, मुझे जितना आइडिया है क्योंकि मैं खुद इन्फोसिस हूं तो मुझे पता है, और TCS उसे, लेकिन ये सब ऑफ कैंपस है, क्योंकि आप जाओगे तो यूसेट के भी अगर वेबसाइट चेक कर लोगे तो यूसेट में भी यही लिखेगा कि टेक रिक्रूटर्स में TCS है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी है, जबकि ये सब कंपनियां वहां नहीं आती हैं, तो वो सब ऑफ कैंपस है क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं अपने बलबूते पे, ठीक है। वहां के स्टूडेंट्स अपने से गए हैं, अपने से एग्जामिनेशन उन्होंने निकाला है, अपने से वो सब निकाल के इंटरव्यू निकाल के जब वो प्लेस्ड हुए हैं, ट्रेनिंग खत्म करके सब उनका परमानेंट वो एम्प्लॉय है, तो वो कॉलेजेस अपना डाल देती हैं कि भाई वहां के स्टूडेंट्स सारे के सारे प्लेस्ड हैं, 90% 75% सारे स्टूडेंट्स का जॉब लग चुका है, तो सब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती है। ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस के आपको डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस तरह से जब वेबसाइट में लिखा हुआ रहता है तो लगता है कि भाई उन कंपनियां आती हैं उन कॉलेजेस में, तो वो ज्यादातर सच्चाई नहीं होती है। मैं डायरेक्टली ट्रूथ बोल रहा हूं, वो चीजें नहीं होती हैं, उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आती हैं इन सब कॉलेजेस में। इवन BIT सिंदरी में मैं जानता हूं कि उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आती हैं, लिमिटेड ही आती हैं, बट ठीक है आती हैं। BIT सिंदरी में ही ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जितना जानता हूं, और चाईबासा में एक दो कॉलेज कंपनियां आई हैं जैसा कि मुझे पेपर में देखने को मिला, और पेपर के हिसाब से तो भाई चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज अब बन चुका, और इनके यहां MBA एक्रेडिटेड भी हो गया CSE और ECE ब्रांचेस में। MBA एक्रेडिटेशन क्या होता है कि आपका वर्ल्ड वाइड ग्लोबली आपका एक्सेप्टेड हो वो डिग्री उन ब्रांचेस का, तो वो चीजें हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है, वो हमारे लिए अच्छी चीज है, झारखंड के कॉलेजेस के लिए अच्छी चीज है, बट प्लेसमेंट्स की जहां तक बात आती है तो मुझे जितना लगता है वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स हो सकता है, क्योंकि उन सारी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां का नाम डालना, वो सारी कंपनियां अगर वो आती इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो अब तो फिर बात ही कुछ अलग होता।
तो यही थी इस वीडियो में ज़्यादातर, और मेरा कोई मकसद ऐसा है नहीं कि दिखाऊं कि भाई ये कॉलेजेस अच्छी नहीं है और वो अच्छी नहीं है, बट ठीक है, हम लोग किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं करें, हो सकता मैं गलत होऊंगा वो कैंपस प्लेसमेंट्स को लेके, बट मुझे जितना लगता है उतनी बड़ी बड़ी कंपनियाज नहीं आती इन तीन कॉलेजेस में और किसी भी कॉलेजेस में। मैं यूसेट की भी बात करूंगा अगर जब गवर्नमेंट कॉलेज आएगा तब भी मैं यही चीज़ बोलूंगा, क्योंकि ये सब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में फ़र्क होता है, वहाँ स्टूडेंट्स अपने आप जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कॉलेजेस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, कॉलेजेस अपना प्रमोशंस कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के नाम पे, वो बेसिक से चीज़ है। और अगर कंपनियाँ आती हैं, मुझे जितना पता है चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में और रामगढ़ दुमका में एक दो कंपनियाँ आ रही हैं, धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है, और चाईबासा अभी आज के टाइम में बाकी दो पीपीपी मोड कॉलेजेस से लिटिल बिट ऊपर है, क्योंकि पेपर के कटिंग्स आप देखे होंगे, पेपर में अभी आपने देखा होगा चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज आजकल झारखंड के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक हो गया आफ्टर बीआईटी सिंदरी, और कभी कभी मुझे देखने को मिला कि बीआईटी सिंदरी से भी ऊपर उन्होंने करके दिखाया कुछ, तो ये बेहतर चीजें हैं। इस तरह की कंपटीशन अगर अपने अपने में होंगी तो बेहतर होगा, स्टूडेंट्स को भी एक बेहतर एजुकेशन मिलेगा भाई झारखंड में, क्योंकि झारखंड की इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिर्फ बीआईटी सिंदरी का ही आज के टाइम पे नाम था, आईआईटी आईएसएम धनबाद तो अलग लीग है, उसको काउंट भी नहीं करना उन चीजों में। तो चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आगे निकल रहा है, रामगढ़ दुमका अगर आगे निकल रहा है कॉम्पीट कर रहा है अपने में, तो बहुत बेहतर चीज है। अगर कंपनीज इनके कॉलेजेस में आएंगी तो वेल एनफ, बहुत बेहतर है। अभी तक तो मुझे उतना नहीं देखने को मिला कि इतनी बड़ी कंपनियां आई, अगर आती हैं तो बहुत बेहतर है, ठीक है। और ऑन कैंपस ऑफ कैंपस और बाकी सब कॉलेजेस की जो भी हमने लिंक की बात की, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो आप प्लीज हमें रीच आउट करें, और आज के गूगल मीट सेशन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, एंड हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।